नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ओमिक्रॉन के बारे में, कोरोना के बारे में। जी हाँ, इसलिए करना ज़रूरी हो गया वापस। हालांकि इस पे धीरे धीरे अपडेट आने कम हो गए थे क्योंकि नॉर्मल हो गया था, लेकिन जब से 26 नवंबर से ओमिक्रॉन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, धीरे धीरे बढ़ के 113 कंट्रियों में पहुंच चुका है। जी हाँ, और इसका रीज़न ये भैया ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइटें बंद नहीं हुई, इस वजह से फ्लाइट ये जो केस हैं वो बढ़ गए 113 कंट्रियों में। और आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 से प्लस केस चले गए। जी आप सोचिए, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 1,22,000 केस आए हैं कोरोना के, उसमें से 70% केस कौन से ओमिक्रॉन के। जी हाँ, हर 20वां व्यक्ति इंग्लैंड में, यूके में कोरोना पॉजिटिव है, हर 20वां, यानी 1, 2, 3, 20 गिनोगे ना, 20वां आदमी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। 1,22,000 केस एक दिन में आने छोटी बात नहीं होती है। ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितने का भाई, समझ सकते हैं। यूके में देख लो, यूके की भी ये स्थिति है, 50-60 हज़ार अमेरिका में केस आ रहे हैं। आने वाले समय में ये घोषणा की गई है, आने वाले समय में यूके में 2,00,000 से प्लस लोग मरेंगे, जब मर जाएंगे ओमिक्रॉन की वजह से। जी हाँ, यानी कोरोना की वजह से। हालांकि अभी की अगर बात करें तो इस ये जो महामारी को देखते हुए ब्रिटेन ने सबको, आपको पता है, फ्लाइटें सबकी चालू करके रखी है उन्होंने कि आने दो, मरते रहेंगे लोग, फ्लाइटें ऐसी चालू करते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक देश में 1,22,000 केस आने कम नहीं है एक दिन के अंदर। लगभग अभी बाद में थोड़ा समझ में आया, तो ये जो एंड ईयर जो चल रहा है, दिसंबर लास्ट चल रहा है 2021 का, 3,000 फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। बहुत सारे देश तो अपने आप ही रद्द कर दिए कि भाई हमें नहीं जाना इंग्लैंड में। हर 20वां व्यक्ति अगर संक्रमित है तो फिर आप कहां से बच जाओ, नहीं बच सकते। ये स्थिति है भाई। बाकी हर देश में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, अपने अपने देश अपने अपने तरीके से कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइटें किसी भी देश ने बंद नहीं कर रही हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में देखिए, 3 जनवरी से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो बच्चों के वैक्सीन है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको भी बूस्टर डोज लगनी स्टार्ट हो जाएगी जनवरी स्टार्टिंग में। जी हाँ, अगर इंडिया की बात करें तो साथियों, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक अपनी जो राय रखी है कि जो फरवरी और मार्च में लगभग 2,00,000 बेडों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी हाँ, 2,00,000 बेडे, बेड कौन से, आईसीयू वाले। इतना गंभीर मामला, जो थर्ड लहर चौथी लहर जो आ रही है ये खतरनाक इंडिया में हो सकती है। हालांकि सरकार ने यह दावा किया कि 1,40,000 आईसीयू बेडों की व्यवस्था हो चुकी है पूरी इंडिया में, जबकि एक्सपर्ट्स का मामला है कि 2,00,000, उनका मानना है कि 2,00,000 से ऊपर बेडों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये संक्रमण मार्च और फरवरी और मार्च में भयंकर रूप ले लेगा। और ये सच्चाई भी है साथियों, अभी देख रहा है, मेरे राजस्थान की बात करें तो कहां कोरोना, पूरे राजस्थान में एक दो केस आ रहे थे, कभी तो आ ही नहीं रहे थे। आज की डेट में लगभग 30 केस आए एक दिन में, यानी धीरे धीरे बढ़ाव ले रहा है। जी हां, तो ये तो फाइनल बात है। इनको देखते हुए बता दूं, छह राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, छह राज्यों ने, आप देख सकते हैं, छह राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है जी। नए जशन पर भी पाबंदी कर दी है, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा भाई। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जी हाँ, महाराष्ट्र ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए पाबंदी कर दी है भाई। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा सख्ताई बरती है, तमिलनाडु ने भी बरत ली है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये छह राज्य ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा और दिन में भी सख्ताई कर दी है भाई। महाराष्ट्र ने तो बता दूँ, दुबई से लोग आ रहे हैं ना, उनको भी साफ साफ आदेश दे दिया कि 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन रखना पड़ेगा अपने घर में, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, जी हाँ, राजस्थान भी भाई लगभग चौथा के राज्य बन चुका है जिसमें ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केस राजस्थान में पाए गए हैं। तो स्थिति कहने का मतलब, ओमिक्रॉन बढ़ाव कम नहीं हो रहा, ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, मार्च तक की उम्मीद है कि 1,00,000 प्लस केस पर डे आने वाले हैं, मार्च में एक्सपर्ट्स की घोषणा हुई है। और इनमें अच्छी बात यह कि जिनको डोज लगे हैं उनको खतरा कम है, बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, बाकी जिन्होंने डोज नहीं लिए उनके लिए बड़ी रिस्क हो सकता है। अभी अगर बात करें तो इंडिया में 400 प्लस ओमिक्रॉन के केस अभी तक पाए जा चुके हैं। इनको देखते हुए अलग अलग राज्यों ने भाई एयरपोर्ट पर भी अलग अलग अपनी तरीके से नियम बना दिए हैं, क्योंकि देखिए जैसे दिल्ली में फ्लाइटें सबसे ज़्यादा आती हैं, उसके बाद में जैसे महाराष्ट्र में आती हैं, तो उन्होंने अलग अलग राज्य सरकारें हैं जो अपना अपना नियम बनाती हैं। कोई होम क्वारंटाइन की सलाह दे रहे हैं, कोई उनको क्वारंटाइन रखेंगे, पहले जाँच करेंगे फिर निकालेंगे। तो आप मान लीजिए विदेश में किसी भी देश से आ रहे हैं इंडिया में, जी हाँ, विदेश में बैठे हैं आप, आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आने से पहले जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं आप इंक्वायरी कर लें या किसी से पूछताछ कर लें, आपका परिवार तो उसी राज्य में है
तो वो पता लगा लेंगे आराम से कि भाई उस स्टेट का एयरपोर्ट पे क्या नियम है, किस तरह से आना है, आपको RT-PCR टेस्ट लेके आना पड़ेगा या फिर आपको एयरपोर्ट पे दोबारा टेस्ट होगा, आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर आपको वहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, क्या मसला किस तरह से रहेगा। जी हाँ, क्योंकि सभी राज्य अपने अपने तरीके से नियम बना रहे हैं, एडवाइजरी उनकी खुद की लागू हो रही है, तो कौन सा राज्य कब नियम बदल रहा है कब बना रहा है, तो इसको कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। बाकी ये सच बात है कि ओमिक्रोन पांव पसार रहा है, लेकिन ये आगे तक फैलेगा, कम नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और देखने का है भाई, एक केस आया था इंडिया में, 400 केस बन गए, राजस्थान में कहाँ एक दो केस आ रहे थे नवंबर में, और अब दिसंबर में देख लो 25-30 केस पर रोज आने लग गए। जी हाँ, कल की डेट में 24 केस आ गए थे पूरे, जिसमें एक अकेले जयपुर में 12 केस आ गए थे, बाकी और अलग अलग जेलों में आ गए, तो वो एक बढ़ाव ले रहा है, कम नहीं हो रहा है। अच्छी बात यह कि ओमिक्रोन इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लोग मौत नहीं हो रही है, डेथ नहीं हो रही है, बाकी परेशानी तो आती है नो डाउट, तो इनको पहले से ही सावधानी बरत लें। और भाई अगर केस बढ़ने लग गए तो फ्लाइटों पे इफेक्ट पड़ने वाला है नो डाउट। अभी तक स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट इंडिया में जो 3 एक्सपर्ट हैं, आज की लेटेस्ट न्यूज है, उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो फरवरी और मार्च में केस बढ़ेंगे, लाख प्लस आ जाएंगे, तो भाई कौन सा देश चाहेगा कि फ्लाइटें हम इंडिया के साथ में कंटिन्यू रखें, दिक्कत आएगी ना। हालांकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है भाई, लाख केस आना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया में लाख केस पर डे आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो देश वो तो सोचेंगे ना कि लाख केस आ रहे हैं रोज़ के, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो फ्लाइटें फिर वो बैन करेंगे या फिर अस्थाई रोक लगाएंगे या फिर हार्ड नियम बना देंगे, उनको हम कह नहीं सकते। तो अभी भी अपने ट्रेवल से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, और मैं तो ये सोचूं मार्च तक भैया आप स्टॉप ही रह लें, क्योंकि एक बार आने का तो फिर जाने का नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में आपको, तो आप अभी सोच लें समझ लें। आपको लगता है, हालांकि लोग देखिए जिनको आएंगे वो उसको निगलेक्ट कर देंगे, यार छोड़ बकवास है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो आए थे वो फंस गए थे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया था, उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ होता है जो पिछले 2 सालों में आपने देखा है, क्योंकि ये ओमिक्रोन ये अलग तरीके का वेरिएंट, अलग तरीके से शुरुआत इसने की है, तो ये फैलता उससे 70 गुना ज़्यादा बता रहे हैं, कोई कितना ज़्यादा गुना बता रहा है कोई कितना, लेकिन उससे बहुत भयंकर तेज़ी से फैलता है, ये तो फाइनल बात है, तो फैलता तो है ना, दिक्कत तो करेगी ना। इंडिया में अगर केस आने लग गए तो वर्ल्ड की नज़र, लोगों की, देशों की नज़र तो इंडिया पे टिक जाएगी, कितने केस आ रहे हैं, उनका रिलेशन फिर दोबारा से सोचना पड़ेगा, उनको शेड्यूल फ्लाइटों का किस तरह से बनाएं, क्या करें, बैन करें, क्या करें, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर टिकटों के भाव ला भाई आसमान छू लेंगे। अभी तो आप इंडिया आ रहे हो ना तो टिकटों के भाव कम है, लेकिन जब आप ये ऐसी स्थिति होगी तो आप इंडिया आओगे तो भी टिकटों के भाव 4 गुना बढ़ जाएंगे, वापस जाओगे तो 8 गुना बढ़े हुए मिलेंगे, तो कहने का मतलब मुर्गी से महंगा मसाला पड़ सकता है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस यही वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।